नमस्कार, बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं दिशा आपका स्वागत करती है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। यूपी के मिर्जापुर में 6 केंद्रों पर आज कोरोना वैक्सीन लगाने का ट्रायल किया गया। सभी 6 केंद्रों पर 150 लोगों पर यह ट्रायल किया गया। एक केंद्र पर 25 लोगों को बुलाया गया। वैक्सीन लगाने के लिए 6 ट्रायल केंद्रों में एक ट्रायल केंद्र शहर में मंडलीय अस्पताल और 5 केंद्र ग्रामीण इलाकों को मौजूद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बनाया गया है। इस दौरान सीएमओ शहर के मंडलीय अस्पताल में बने ट्रायल केंद्र का निरीक्षण कर टीकाकरण का जायजा लिया। टीकाकरण सेंटर पर टीकाकरण लगाने के बाद आधे घंटे तक रोका जाएगा। आधे घंटे में प्रमाण पत्र के साथ घर भेजा जाएगा। लिखे गए प्रमाण पत्र में पूरी डिटेल दी जाएगी। देखिए, सरकार के दिशा निर्देश के हिसाब से COVID-19 टीकाकरण की सारी तैयारियां हमने पूरी कर ली हैं और उसी का ड्राई रन आज 5 जनवरी को है, जिसके क्रम में हमारे यहाँ 6 स्थल पर जो 6 साइट हैं हमारे टीकाकरण के, उस पर तो 2-2 बूथ बनाए गए हैं। कुल मिला के 12 बूथ पर आज रिहर्सल चल रहा है। इस रिहर्सल को करने का उद्देश्य हम लोगों का यह है कि हम लोग ये देख लें कि जब वास्तव में हम टीकाकरण करेंगे उस समय हमारी कहीं कोई तैयारी में कोई कमी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, कोई रुकावट तो नहीं आएगी। अगर ऐसा कुछ है तो उसको हम सुधार करके ताकि फाइनल हमारा अच्छे से। सीएमओ के मुताबिक जिले में 4000 लोगों को प्रतिदिन टीका किया जाएगा। इसको लेकर तैयारी पूरी हो गई है। आज के टीकाकरण ट्रायल में हम लोग इसका अभ्यास कर रहे हैं। बीसीएन न्यूज के लिए मिर्जापुर से अजय दुबे की रिपोर्ट। पूरे देश में कोरोना वायरस को लेकर ड्राई रन ड्रिल किया जा रहा है, जिसको लेकर लखीमपुर खीरी जिले में भी COVID-19 का ड्राई रन किया गया। इस मौके पर जिले की 6 स्थानों पर आयोजन हुआ। इस मौके पर 3 ग्रामीण क्षेत्रों में और 3 शहरी क्षेत्रों में मॉक ड्रिल किया गया। रिहर्सल के तौर पर 300 लोगों को बूथों पर बुलाया गया, जिन्हें किस तरीके से करना है, उसके बाद अगर कोई परेशानी आती है तो किस तरीके से बचाव किया जाएगा। COVID-19 स्वास्थ्य विभाग सहित पुलिस व प्रशासन के लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि पहले चरण में जनपद के 12,260 लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। आज कोविड वैक्सीन का ड्राई रन है। 25-25 लोगों के 2 ग्रुप में ट्रायल चल रहा है। इसमें लगभग अभी तक 14 लोगों का वैक्सीनेशन का रिहर्सल हो चुका है। वो अंडर ऑब्जर्वेशन है। 4 लोग जा चुके हैं, 10 लोग अंडर ऑब्जर्वेशन अभी बैठे हुए हैं। बीसीएन न्यूज के लिए लखीमपुर खीरी से फारूक हुसैन की रिपोर्ट। जनपद हापुड़ के नगर कोतवाली क्षेत्र की पौश कॉलोनी प्रीत बिहार में बेखौफ बदमाशों का आतंक देखने को मिला है, जहां बेखौफ दबंगों ने बड़े आराम से एक घर में परिवार को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बेखौफ बदमाश लाखों रुपए के जेवर और हजारों रुपए की नकदी लेकर बड़े आराम से फरार हो गए। वही सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई। वही पुलिस इस पूरे मामले में जल्द ही खुलासा करने का दावा कर रही है। सुबह ये दुकान खोलने गए, फिर वो गुटखा लेने आए, फिर इनको धक्का दे के अंदर कर लिया और इनके साथ मारपीट करी। आवाज़ सुन के मैं गई, मुझे जीने में से धक्का दे के गिर दिया और मुझे मारने लग गए। फिर एक आदमी नीचे तमंचा ले गए, हमारे पे खड़े हो गए, 2 आदमी ऊपर आए, सब कुछ ले गए। हापुड़ नगर थाना क्षेत्र में प्रीति विहार एक कॉलोनी है, जिसमें कमल अग्रवाल जी की परचून की दुकान है। आज सुबह लगभग 7:45 एक व्यक्ति गुटखा लेने के बहाने आया वहाँ पे और उसके पीछे 2 उसके साथी आए। तीनों ने मिलके घर में लूट की है। अभी वो पंजीकृत किया जा रहा है। घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा व अन्य अधिकारियों द्वारा कर लिया गया है। 2 टीमें इसमें लगा दी गई हैं। हम घटना का शीघ्र अनावरण करेंगे। बीसीएन न्यूज के लिए हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट। थाना वृंदावन इलाके स्थित पॉश कॉलोनी ओमेक सिटी वृंदावन के फ्लैट में दिन दहाड़े वृद्ध महिला को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 शातिर लुटेरों को 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए शातिर लुटेरे के कब्जे से पुलिस ने आभूषण व भगवान की मूर्तियां, नकदी व अन्य सामान की 100% बरामदी की है। आपको बता दें कि 2 जनवरी को सुनीता चावला पत्नी सतीश चावला निवासी फ्लैट नंबर 102 गोविंदो ओमेक्स इंटरनिटी थाना वृंदावन मथुरा को बंधक बनाकर घायल कर मुंह को टेप से बांध कर व हाथ पैरों को प्लास्टिक की रस्सी से बांध कर 2 अज्ञात बदमाशों के द्वारा समय करीब 1:45 लूटपाट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए थे। पुलिस लगातार शातिर लुटेरों की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश में जुटी हुई थी। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर के दिशा निर्देशों पर थाना वृंदावन व स्वाट टीम एवं एसओजी टीम व सर्विलांस टीम घटना की
खुलासे के लिए लगाया गया था। पुलिस लगातार दोनों शातिर लुटेरों की तलाश में जुटी हुई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने दोनों शातिर लुटेरों की पहचान धर्मेंद्र और लोकेंद्र के रूप में की थी। 2 तारीख को जो ओमैक्स का रेजिडेंशियल एरिया है उसके एक फ्लैट में 1:30 बजे के आसपास मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों ने घर में घुसकर श्रीमती सुनीता चावला जो हैं वो अपने घर पर अकेली थी उनके साथ मारपीट कर उनके घर का काफ़ी भारी मात्रा में ज्वेलरी और नकदी वहां से लूट करके ले गए थे। घटना की जानकारी होते ही सभी उच्च अधिकारियों द्वारा मौके का मुआयना किया गया। इस घटना को पूरी जनपद मथुरा पुलिस ने एक चैलेंज के रूप में लिया। कई CCTV फुटेजेस खंगाले गए, मुखबिरों के तंत्र के माध्यम से और सर्विलांस के माध्यम से जानकारी की गई, जिसके फलस्वरूप मात्र 48 घंटों के अंदर इन दोनों मोटरसाइकिल सवार युवकों को अरेस्ट कर लिया गया था। इनके नाम है धर्मेंद्र व लोकेंद्र मिश्रा, जो कि सगे भाई हैं, वर्तमान में जनपद झांसी में रह रहे हैं। जिस मोटरसाइकिल से इन्होंने आकर के घटना की थी वो मोटरसाइकिल बरामद हुई है। साथ ही साथ 100% जो ज्वेलरी थी जो वादी द्वारा अंकित कराई गई थी 100% उसकी रिकवरी हुई है। दोनों आपस में सगे भाई हैं जो कि झांसी में रहने वाले हैं। मथुरा पुलिस लूट की घटना को अंजाम देने वाले शातिर लुटेरों की पहचान के बाद झांसी के लिए रवाना हो गई। पुलिस ने शातिर लुटेरे दोनों भाई धर्मेंद्र और लोकेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों शातिर लुटेरे के कब्जे से लूट का माल, सोने चांदी के आभूषण, भगवान की चांदी की मूर्ति या करीब 30,000 रुपए नकद और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। BCN न्यूज के लिए मथुरा से अजय ठाकुर की रिपोर्ट। गिरौर ब्लॉक के ग्राम बरौली में समाज सेविका शिवानी शाक द्वारा आयोजित कंबल वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद करहल, विधानसभा प्रभारी गीता शाक, विशिष्ट अतिथि जिला उपाध्यक्ष अरुण प्रताप सिंह चौहान ने लगभग 350 गरीब बुजुर्गों को कंबल वितरण किया। इस दौरान उन्होंने ये कहा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा संचालित योजनाएं घर घर शौचालय, मिशन शक्ति, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसानों के लिए कृषि क्रेडिट कार्ड, महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए ₹6,000 सालाना आपको देने के पीछे यही मकसद है कि मुश्किल वक्त में आप कर्जा न ले। फसल बीमा का कवच आपको प्राकृतिक आपदा से बर्बाद हुई फसल की करता है। सोयल हेल्थ कार्ड से किसानों को अपनी जमीन की सेहत का सही पता चल रहा है। तो नीम कोटेड यूरिया ने खाद की कालाबाजारी पर लगाम लगाकर किसानों को बहुत बड़ी राहत दी है। अन्नदाता ऊर्जादाता भी बने देश मोदी जी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रहा है। अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जानकारी दी और कहा कि यह योजनाएं सफलतम घर घर पहुंची है। पहले की सरकारों में योजनाएं धरातल पर पहुंचती नहीं थी। मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था की कि देश के प्रत्येक लाभार्थी तक 100% योजना पहुंच रही है। कार्यक्रम को जिला उपाध्यक्ष अरुण प्रताप जी ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम आयोजक समाज सेवी शिवानी साथ में मुख्य अतिथि सांसद का शॉल उड़ाकर एवं बुके भेंट कर उनका स्वागत किया। उनके साथ में प्रशांत मिश्रा, गिरौर मंडल अध्यक्ष दीपक जैन, गोविंद भदौरिया, नीलकांत शाक्य, गोविंद शाक्य आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। BCN न्यूज के लिए जनपद मैनपुरी से मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। विंध्याचल धाम में भीख मांगने वाले 3 नाबालिग बच्चों की पुलिस ने मंगलवार को कार्रवाई करते हुए हिरासत में लिया। उन्हें चाइल्ड लाइन भेजकर उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए परिवार से बात की जाएगी। मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में आने वाले भक्तों से भीख मांगने वाले बच्चों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। इस दौरान 3 बच्चों को हिरासत में लिया गया। पुलिस के हाथों लगे बच्चों को थाना लाया गया, जिन्हें चाइल्ड लाइन भेजा जाएगा। बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए काम करने और भीख मांगने वाले बच्चों के बचपन को बचाने के लिए दिसंबर से अभियान चलाया जा रहा है। 26/12 से 10/1 तक चल रहा है। ये बच्चों की जो भिक्षावृत्ति है या बच्चों से कोई मजदूरी कराता है या बच्चों से कोई ऐसे घरकुनी काम करता है, उनको कुछ जागरूकता फैलाने का एक अभियान चल रहा है। तो हम लोग जानबूझ करके ऐसे घाटों पर जैसे विंध्याचल में है या मंदिरों में या ऐसे स्थानों पर जहाँ पर बच्चों को भीख मांगते देखा जाता है या भिक्षावृत्ति करते देखा जाता है, उसमें हम लोग जागरूकता फैलाएंगे। इससे अगर इनके साथ ऐसा कुछ हो रहा हो तो निश्चित तौर से कानूनी कार्रवाई की। BCN न्यूज के लिए मिर्जापुर से अजय दुबे की रिपोर्ट। BCN न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।